इंडिया के अंदर कश्मीर फाइल के बाद में शायद यही मूवी है जो भाई बहुत अच्छी बनी है एंड सच्ची में बहुत अच्छी है यार। सुदीप तो सेन भाई इतने खुले डायरेक्टर है, लिटरली आप मैं मजाक नहीं कर रहा, इतने अच्छे डायरेक्टर है एंड उनको भाई बिल्कुल भी डर नहीं है। वो मतलब जो बात कहते हैं वो लिटरली बहुत अच्छी, वो कहते हैं कि मैंने सच दिखाया एंड भाई सच में बहुत ही हिम्मत चाहिए ऐसी मूवी बनाने के लिए, क्योंकि पिछली बार कश्मीर फाइल बनी थी तो कितने दंगे फसाद हुए थे और अब ये वापिस तक केरला स्टोरी बनी है तो फिर से दंगे स्टार्ट हो चुके हैं। और बदनामी की अगर हम बात करें तो दोनों मूवी बदनाम हो चुकी है, अब वापिस कश्मीर फाइल के ऊपर भी इल्जाम जबरदस्त लगाए जा रहे हैं। और भाई हमारी अदा शर्मा की एक्टिंग भाई बहुत ही गोड लेवल एक्टिंग है, क्योंकि भाई उस लेवल की एक्टिंग भाई बंदी ने क्या एक्टिंग की है। एंड आप जब मूवी देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट थोड़ी बहुत समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आपको समझ में आनी स्टार्ट होगी मूवी आप भाई फैन हो जाओगे अदा शर्मा के लिटरली। मूवी की बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई जो कि यार भाई बताने नहीं चाहिए थी, लेकिन मूवी की बताई गई है और मूवी का कलेक्शन भी बहुत जबरदस्त हो चुका है अभी तक। मूवी के अंदर जो जो चीजें बताई गई है कैसे किसी मतलब हिंदू लड़कियों को माइंड वॉश करके उनको मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाता है एंड ISI ज्वाइन करवाया जाता है और किस प्रकार से उनका शोषण मतलब रेप वगैरह होता है बहुत ही मतलब डिटेलिंग में बात की गई है इस मूवी के अंदर। तो भाई बता दो ये मूवी रियल घटना पे है तो भाई 1% भी रिस्क मत लेना कि ये मूवी मतलब ऐसे ही बनाई गई है या फिर खुद मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है, सच्ची घटना है सच्ची में यार। इस मूवी के मेकर्स को यार मैं बड़ी शाबाशी देना चाहूंगा, क्योंकि अगर कश्मीर फाइल्स बनने के बाद उसके दंगे देखने के बाद अगर कोई इंसान दूसरी मूवी मतलब उसी टॉपिक पे दूसरी मूवी बनाता है भाई उसका जिगरा चाहिए लिटरली। मैं तारीफ करता हूँ उन सभी की मेकर्स की जो इन्होंने द केरला स्टोरी जैसी मूवी बनाई है। तो अब इससे लगता है कि यार अब रीमेक का जमाना चला गया, अब रीमेक मूवी नहीं चलेगी, अब तो भाई जो कॉन्टेंट है ना उसमें दम होगा तभी मूवी चलेगी। और भाई रीमेक वगैरह ये मनगढ़ंत कहानियां बहुत ही कम चान से चलने गई। और भाई सच्ची में हिंदू समाज के ऊपर मूवी बनी गई है तो भाई सभी लोग बहुत खुश है। मूवी ने ओवरऑल कलेक्शन भी बहुत 150 से 200 करोड़ तक कर लिया है और आप मूवी देखोगे तो आपको आई थिंक मेरे को तो रोज आना स्टार्ट हुआ था। और भाई हमारी अदा शर्मा की जो एक्टिंग है वो भाई रियल लगती है, ऐसा लगता ही नहीं कि उनके साथ में कुछ नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद के साथ ऊपर मतलब खुद के ऊपर की स्टोरी बताई है पूरी की पूरी। और लड़कियों की इतनी ज्यादा माइंड वॉश किया जाता है उस मूवी के अंदर कि यार एक लड़की तो अपने खुद के माए बाप के ऊपर थूक देती है जो कि भाई वो देखने के अंदर भाई बहुत ही अनोइंग लगता है। आप देखोगे तो आपको खुद को बुरा लगेगा यार, ऐसा भी हो सकता है। अदा शर्मा का शालिनी से मतलब फातिमा के अंदर कन्वर्ट कैसे होता है एंड फिर वापिस जो है फातिमा से शालिनी कैसे बनती है वो सारा इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। और बेसिकली स्टोरी पूरी लड़कियों की है, पूरी एक मतलब केरला के ऊपर बनाई गई है, पूरी बहुत सारी हिंदू लड़कियों की स्टोरी बनाई गई है, कैसे उनका मतलब रिलीजन चेंज करके उनको मुस्लिम बनाया जाता है, कैसे उसको ISI ज्वाइन करवाया जाता है एंड बहुत बहुत सारी चीजों को दिखाया गया जो कि भाई सच में रियलिस्टिक है एंड हमारी इंडिया के अंदर होता ही ऐसा। मूवी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी, आप देखोगे तो आपको सिर्फ अच्छी ही लगेगी मूवी, बुरी नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी। तो यार जल्दी से जाके मूवी देखो एंड आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।